मैनपुरी में उपचुनाव है, ऐसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव यहां से चुनावी मैदान पर है और आज की बड़ी तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि पूरा परिवार एक है। आप देखिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सीधे तौर पर मंच पर मौजूद है, उन्हीं के बगल में प्रोफेसर रामगोपाल यादव मौजूद है, उन्हीं के साथ राम गोविंद चौधरी। और सबसे बड़ी तस्वीर जो है वो इस चुनाव की ये है कि शिवपाल यादव खुद मंच पर मौजूद है और सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और प्रसपा की कार्यकर्ताओं की सामूहिक ये बड़ी बैठक जिसका आयोजन जो सैफई के एसएस मेमोरियल कॉलेज में किया जा रहा है, क्योंकि इस तस्वीर का इंतजार काफी समय से लोगों को था कि कब सार्वजनिक मंच पर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक साथ प्रचार करते हुए नजर आएंगे, तो वो तस्वीरें आज से ही शुरू हो गई हैं। और अब जो है देखिए आप किस तरीके से स्वागत कर रहे हैं, पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं, ये आदित्य यादव है प्रसपा के प्रदेश जो अध्यक्ष है वो यहाँ पर मंच पर मौजूद है। तो ये तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है कि उपचुनाव को लेकर के डिंपल यादव और अखिलेश यादव ने जैसे ही परिवार के साथ आकर के शिवपाल चाचा का आशीर्वाद लिया था, उस आशीर्वाद का असर यह है कि अब पूरा परिवार एक है और भारी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो मैनपुरी जसवंत नगर के कार्यकर्ताओं को भी जो है आह्वान किया गया था, वो भी यहाँ पे बड़ी संख्या में यहाँ पर तादाद पे पहुंचे हुए हैं। और ये वो कार्यकर्ता हैं जो समाजवादी पार्टी और शिवपाल यादव जी के समर्थक हैं, उनको उनके तौर पर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो ये आज की बड़ी तस्वीर निकल के आई है कि परिवार पूरा एक हो चुका है और अब जो लगातार अटकलें थी उन अटकलों पर विराम लग चुका है और यही वजह है कि आज तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं और आज से जो संयुक्त प्रचार है वो शुरू हो चुका है। कैमरा पर्सन दुर्गेश यादव के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, सैफई।